आज मार्केट से हम हरा हरा साग लाए हैं, सरसों का साग है। मेरी किचन में आज बनेगी सरसों का साग मक्का का रोटी, जो काफी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और खाने में काफी टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। मेरे तरीका से बनाइएगा तो इसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। और चलिए आज मैं बनाती हूँ, आपको दिखाओगे। पहले सबसे पहले इसको साफ कर लेंगे, बढ़िया से साफ करके, ये डंटा नहीं इतना नहीं डालनी है, इतना ही तोड़ करके डालनी है पत्ता, ये सब हम निकाल देंगे। इसी तरह से बनाइएगा, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा, तब काफी आप लोगों को खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मक्का का रोटी ठंडे के दिन में, मक्का का रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है हम लोग का परिवार में, सबको ही हम लोग मिल करके खाते हैं। देखिए इसी तरह से तोड़िएगा, ये ज्यादा डंटा नहीं डालनी है। देखिए साग तोड़ लिए हैं, चलिए अब धो करके काट लेंगे। देखिए साग धो लिए हैं अच्छी तरह से, और इसमें तसली बैठा दिए हैं, तसली इसमें पानी डाल देंगे, दो गिलास पानी हम डाल देंगे। जब तक पानी में उबाल आएगी तब तक साग काट लेंगे, साग काट करके तब मैं इसमें डालूंगी। देखिए इस तरह से साग हम काट लेंगे। चलिए काट लिए हैं, अब डाल दो। देखिए पानी में उबाल आ गई है, अब इसमें साग हम डाल देंगे। दो चम्मच मिर्चा डाल दिया, और इसमें नमक डाल देगा। देखिए साग में आधी लहसुन मिर्चा प्याज सब क्रश करके ही डालेंगे साग में, अभी जो साग पक रही है उसी में डाल देंगे। इसी तरह से सब हम क्रश कर लेंगे। देखिए आधी क्रश कर ली है मिर्चा प्याज लहसुन सब क्रश कर लिए, डाल देंगे इसमें। इसको मीडियम आंच पर ही छोड़ देंगे, पकते रहेगी मीडियम आंच पर।
तक मैं आटा सान ले रही हूँ मकई के आटा। ये तो हाफ के जी है, दो मुट्ठी इसमें हम डाल देंगे। इसी तरह से फिर हम मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। तब तक मैं आटा सान ले रही हूँ, मक्का का आटा हाफ के जी आटा लिए हैं। मक्का का रोटी बहुत काफी टेस्टी लगते हैं, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से, तब आप लोगों को काफी पसंद आएगी। देखिए आटा इतना ही सॉफ्ट सानी है कि रोटी हमारी बढ़िया बनेगी। चलिए ऐसी आटा सनने हैं, आटा बढ़िया नहीं सनाएगा तो रोटी चारों तरफ से फटना शुरू हो जाएगी। सन लिए इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ढक करके। चलिए देखिए साग हमारी तैयार हो गई है। देखिए साग बहुत अच्छी बन गई है, और व्हाइट व्हाइट जो है लहसुन है आधी है प्याज है, इसलिए आधी लहसुन का जो दाग पड़ेगी खाते समय तो बहुत अच्छे स्वाद लगेंगे साग में, इसलिए क्रश करके डाले, मैं ही नहीं किए हैं, ज्यादा बारीक हम नहीं किए था। अब साग हमारी हो गई, चलिए अब तड़का लगाऊंगी। देखिए तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच हम घी डालेंगे। अब इसमें तड़का लगाने के लिए प्याज लिए हैं कटा हुआ, लहसुन लिए हैं, घी गर्म होगी तब मैं डालूं लहसुन और प्याज तड़का लगाने के लिए। देखिए हल्का ब्राउन हो गई है, इसमें मिर्चा डाल दूंगी स्वाद अनुसार, पहले भी नमक हम डाले थे और अभी भी डालेंगे। साग बन गई, अब इसे मैं गैस ऑफ कर दूंगी। साग भी बन चुकी है, 10 मिनट हो भी गए, आटा का सेट हुआ है बहुत अच्छा। थोड़ी सी हल्की हल्की पानी लगानी है,
लेकिन बहुत अच्छी रोटी बन रही है। इसी तरह से सब मैं रोटी बनाऊंगी, हाथ में हल्का हल्का पानी लेकर के। चूटा लेकर के इसको इसी तरह से घुमाते रहना है। इतनी अच्छी फूल गई है रोटी। चलिए मक्का का रोटी साग बन चुकी है, अब गरम ही गरम निकालें और खाएंगे। बटर लगाएंगे, इसको झाड़ झाड़ के करनी चाहिए। अच्छे से बटर लगाइए, ठीक है। सरसों का साग मक्का का रोटी बन गई है, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बहुत काफी टेस्टी बने हैं। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा और पसंद आएगा तो जरूर नए मेरे चैनल पर नए। देखिए सरसों का साग मक्का का रोटी बन गई है, बहुत काफी टेस्टी बनी है। देखिए रोटी बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत इसी तरह से आप लोग बनाइएगा खाइएगा। दही रहनी चाहिए, आइली चटनी है, आंवला धनिया मिर्चा लहसुन ये सब का चटनी है। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा खाइएगा। पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेगा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।